the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों, हम हमेशा ही ऐसा कोई कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं जिससे हमारे सफ़ेद बाल जो हो गए हैं वो वापस से काले हो जाए, या फिर आगे से कोई सफ़ेद बाल नहीं आए और हमारे बाल मजबूत, घने और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बने। हम हमेशा बाहर से उस पर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, बट हमें उतना ही ख्याल अंदरूनी भी रखना चाहिए। हमें जितना हो सके आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेयर के लिए, हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए। ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप आंवले का सेवन करिए, किसी भी रूप फॉर्म में, जूस, मुरब्बे, चटनी। तो इसी सब को लेके आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेके आई हूँ, जो आप ज़रूर देखना, एंड तक देखना। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं भृंगराज पाउडर। जी हाँ, भृंगराज हम सब जानते हैं बालों को काला बनाए रखने में कितना हेल्प करता है। हमें सिर्फ एक चम्मच भृंगराज पाउडर चाहिए। अगर आपके पास भृंगराज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप आंवले से ही ये बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट भृंगराज है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने एक चम्मच भृंगराज लिया है और एक ही चम्मच में आंवला लूँगी। अगर आपके पास सिर्फ आंवला पाउडर है तो आप दो चम्मच आंवला पाउडर ले लीजिए। इसके साथ ही हमें एलोवेरा जेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी आप अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। सबसे पहला काम हमें करना है कि लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई में हमें आंवला और भृंगराज को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से जलाना है, ताकि इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाए, काला हो जाए। तब तक कि इसे भूनना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है आगे। तो फिलहाल ये हो चुका है, अब कर देंगे गैस को बंद और थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, क्योंकि गर्म गर्म आप मिक्सी में नहीं चला सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंवला और भृंगराज का जो मिक्सचर था वो रेडी और ठंडा भी हो गया है। साथ ही मैं उसके ऊपर एलोवेरा जेल डाल दूंगी। गाइज, यहाँ पे मैंने थोड़ा भी पानी वानी ऐड नहीं किया है और मिक्सी में चला लिया है, अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो सेम पैन में मैं, ये देख सकते हो आप, जो हमारा जेल जैसा रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके पीस लिया है। और दो तीन मिनट में इसी तरह इसको चलाऊंगी। गैस हमारा मीडियम है और दो तीन मिनट चलाने के बाद हम सेम जार में, जो हमारा मिक्सिंग जार था, उसमें थोड़ा और पानी ऐड करके सारी जो चीज़ें चिपकी हुई हैं अभी भी उसमें, उसको मैं वापस इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए काफ़ी कुछ इसमें था, तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड ऐड कर लीजिए। तो इसके बाद आपको इस तरह का आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो अब क्या होगा कि आपका जितना एलोवेरा है, भृंगराज है और आंवला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब ध्यान रखिएगा, एलोवेरा जेल जो है वो बॉटम में लगता है, चिपक जाता है, तो काफ़ी टाइम आपको बिजली में चलाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में करीबन 10 मिनट लगते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हमारा एलोवेरा काफ़ी चिपक रहा है नीचे, तो मैं उसे बार बार स्क्रेप आउट कर रही हूँ। और ये हो गया है, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेन कर लेना है। गाइस, बहुत ही अच्छा ये उपाय है अपने सफ़ेद बालों को कवर करने का, और या आप उसको कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप इसको शैम्पू किए हुए हेयर पे लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा असर दिखाएगा और आपके बाल है एकदम से कवर हो जाएंगे। एक बार आप प्लीज़ इसको बना के देखिए और ट्राई करके देखिए धुले हुए बालों पे। आप ये बस अगर हेयर ड्रायर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लगा लीजिए और ड्राई कर लीजिए, छान लीजिए उसको बहुत अच्छे से, ताकि जो भी है इसमें एलोवेरा का जो पत्ते हैं जो बर्न हो चुके हैं वो फंसे नहीं बाल में। तो उसको इस तरह से निकाल लीजिए। काफ़ी गर्म है और मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ कांच के कंटेनर में। गाइस, आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हो, कोई ख़राब नहीं होगा, आराम से 25 से 30 दिन ये रह जाता है। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस चीज़ को आप रेफ्रिजरेटर में रखिए। और गाइस, सबसे पहले तो देख लीजिए कितना ज़्यादा काला कलर हो गया है। आपको लगाना बिल्कुल या तो अपने हैंड में लेके लगाइए, या फिर एक ब्रश को इसमें डिप कर दीजिए और अपने धुले हुए बालों पे, जहाँ भी आपको सफ़ेद बाल नज़र आते हैं वहाँ पे लगा लीजिए। गाइस, तो कैसा लगा मेरा ये